आज इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं इस तरह से हम अपनी किडनी को खराब होने से पहले ही रोक सकते हैं मेरे पापा का भी बीपी हाई रहता था मेरा भी हमारे में हेडी चलता रहता है ऐसे केसेस के अंदर हम देखते हैं कि अगर किडनी खराब नहीं हो रही तो कुछ और खराब हो रहा है इसे साइलेंट किलर कहा जाता है नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं अक्सर इस चैनल पर हम बात करते हैं कि अगर किडनी खराब हो जाए तो ऐसा खाना खाओ ये एक्सरसाइज करो किटनी को कैसे डाउन करना है बट हम बहुत कम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी किडनी को ख़राब होने से पहले ही रोक सकते हैं उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं समझना उसी को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर तो किडनी खराब होने के लिए अगर हम सारे पेशेंट की बात करें तो उनमें 80 परसेंट ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम रोक सकते हैं किडनी ख़राब होने से क्योंकि इनके पीछे कारण क्या होता है वह है हाई ब्लड प्रेशर और शुगर ये दो ऐसी बीमारियाँ हैं जिसको बहुत हम इग्नोर करते हैं शुगर ही तो है हर हाँ दूसरे इंसान को हम ये सोच लेते हैं बी तो है मेरे पापा का भी बी हाई रहता था मेरा भी ये हमारे में हाइड्रेडी चलता रहता है ये कंसेप्शन माइंड में बने हुए होते हैं तो ये जो कंसेप्शन होते हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं पी अगर आपका बड़ा हुआ है तो कंट्रोल करना ज़रूरी है और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए आपका तो अगर आपका ब्लड प्रेशर वन ट्वेंटी के आसपास रहता है खासकर जो डायसेस्टॉलिक नीचे वाला होता है वो एट्टी रहता है 80 से कम रहता है तो बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं मगर अगर वो 90 जा रहा है 100 जा रहा है 110 जा रहा है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है ऐसे केसेस के अंदर हम देखते हैं कि अगर किडनी खराब नहीं हो रही तो कुछ और खराब हो रहा है और बीपी जब भी दिक्कत पैदा करता है तो वो एक दिन में पैदा नहीं करता कोई सिम्टम दे के पैदा नहीं करता आपको ये नहीं होगा कि उल्टियाँ लगेंगी सिर में दर्द होगा आप डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर बोलेगा कि आपका बी हाई है जब बीपी धीरे धीरे बढ़ता है तो मैक्सिमम केसेस के अंदर महसूस ही नहीं होता कि बीपी हाई की दिक्कत आपके साथ चल रही है और इसी वजह से जो किडनी जब ख़राब होती है हाई बीपी की वजह से इसे साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि किटनिन बढ़ने लग गया यूरिया बढ़ने लग गया पता लग रहा है बाद में जब किडनी ख़राब हो गई तो सबसे ज़रूरी है कि आप इसे टाइम से पकड़ो बी और शुगर एक ऐसी दो बीमारियाँ हैं जिस जिसपे हम काम कर सकते हैं बी को कंट्रोल कर सकते हो शुगर कंट्रोल कर सकते हो इसके लिए जरूरी होती है मॉनिटरिंग आप अपना बी शुगर अगर आप नॉर्मल अपने आप को फील करते हो तो एक बार महीने में ज़रूर चेक करवाओ रोज़ रोज मत करो बट महीने में एक बार जरूर करवाओ अगर आपको पता है कि बीपी की दिक्कत है शुगर की दिक्कत है तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बीपी और शुगर की मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे करो दिन में दो तीन बार कर सकते हो तो दो तीन बार करो क्योंकि जितनी बार उसे आप गलत देखोगे उतने एफर्ट डालोगे उसको ठीक करने के अगर आपने एक बार देख के छोड़ दिया कि ठीक है बी हाई है मैं मेडिसिन खा लूँगा ये अप्रोच रखी तो वो आज कोई दिक्कत नहीं करेगा बट डाउन द लाइन तीन चार साल बाद पाँच साल बाद सात साल बाद वो आपको कोई ना कोई बड़ी दिक्कत ज़रूर देगा तो ज़रूरी है स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है टेस्ट करना ज़रूरी है एक शेड्यूल में अपनी बॉडी के चेकअप कराना तो बी शुगर जो चीज़ें हम घर पर कर सकते हैं उनको आप घर पर खुद चेक करना स्टार्ट कीजिए और साल में एक बार अगर आपकी एज थर्टी प्लस हो चुकी है तो साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं अब जब किडनी ख़राब होनी शुरू होती है तो किटन चाहे ना बढ़े बट बड़ एक चीज़ ऐसी होती है जो मैं बता देती है कि कुछ ना कुछ हमारी किडनी के साथ गलत हो रहा है और वो है यूरिन का टेस्ट अगर यूरिन के टेस्ट के अंदर आप देखते हो कि प्रोटीन आ रहा है ग्लूकोज़ आ रहा है या फिर कोई और पसल्स आ रहे हैं इन्फेक्शन आ रहा है तो मतलब ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो अब वहाँ पर ज़रूरत होती है एक्शन लेने की अगर सिर्फ प्रोटीन आ रहा है तो किडनी को डैमेज हो रहा है इन्फेक्शन हो रहा है इन्फेक्शन में अगर हमने काम नहीं किया तो इन्फेक्शन से किडनी ख़राब हो सकती है अगर ग्लूकोज आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड के शुगर जो लेवल्स हैं वो हाई रहते हैं या हम कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिसकी वजह से यूरिन में शुगर रिलीज हो रही है तो उस पर एक्शनीबल चीज़ें हो जाती हैं तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और इसी वजह से हमेशा कहता हूँ कि स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर हेल्दी इंडिविजुअल के लिए यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि किडनी फेल होने की बात करूँ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हेल्दी है तो भी इसकी स्क्रीनिंग रखो क्योंकि किडनी एक बार डैमेज ले लेती है तो वो रिपेयर पूरी कभी भी नहीं हो पाती किडनी के अंदर क्या बॉडी के अंदर कोई भी हिस्सा अगर कोई डेड हो गया है वो जिंदा नहीं हो सकता उसकी जगह दूसरा ले सकता है मगर वो सिर्फ एक ही ऑर्गन में होता है वो है लीवर इसके अलावा बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सके तो इसलिए कहता हूँ कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखो बॉडी का ध्यान आप रखोगे बॉडी आपका ध्यान रखेगी क्योंकि हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो इन्जॉय करना चाहता है और इन्जॉय करने के लिए उसको एक हेल्दी बॉडी ज़रूरी होती है तो अपनी बॉडी का हेल्थ रखें बी शुगर अपने टाइम पर टेस्ट करवाते रहें साल में एक बार अपना यूरिन का फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं जिससे आपको कोई भी बीमारी होने से पहले ही पता लग जाए अब इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा कोई भी डाउट है सी को लेकर किडनी फेलियर को लेकर डॉक्टर्स अवेलेबल है उनसे आप बात कर सकते हैं इसी के साथ धन्यवाद